नमस्कार दोस्तों, एचआर रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मलाई जो होती है हमारे दूध पे आ जाती है उसका घी कैसे बनाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास 1 किलो मलाई है जिसको मैंने इकट्ठा करके रखा था। रोज दूध से निकाल कर एक कटोरे में डाल के रख देती हूँ। आज मैं इसका घी बनाने जा रही हूँ। आपको दिखाती हूँ घी कैसे बनता है। ये मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में ये इसको मलाई को डाल दूंगी, सारी मलाई इसमें पलट दूंगी। ये देखिए मैंने सारी मलाई इसके अंदर डाल दी है। अब इसको पकाऊंगी। पिघलनी स्टार्ट हो गई है और हल्की हल्की उबलनी भी स्टार्ट हो गई है। सारी मलाई पिघल जाएगी और ये बीच बीच में हम ऐसे इसको हिलाते भी रहेंगे। ये देखिए सारी मलाई जो है मेल्ट हो चुकी है, अभी भी थोड़ी सी बाकी है, ये भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी अच्छे से। और इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे नहीं तो ये नीचे लगेगी। ये जो मलाई थी ये उबलनी स्टार्ट हो गई है और हल्का हल्का घी इसके ऊपर आना भी स्टार्ट हो गया है। और इसको अच्छे से पकाएंगे, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाएगी तब तक मैं इसको पकाती रहूँगी और हिलाती भी रहूँगी। ऐसे बीच बीच में हिलाना पड़ता है, बहुत बार चलानी पड़ती है ऐसी कड़छी इसके अंदर, जिससे ये नीचे ना लगे। गाढ़ी होती जा रही है, ये ऐसे गाढ़ी हो गई है। अब ये धीरे धीरे घी छोड़ना स्टार्ट करेगी, ये काफ़ी ऐसे गाढ़ी हो गई है। ये मेरा घी बनना स्टार्ट हो गया है, ये इन्होंने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है मलाई में। ये देखिए ऊपर घी आ गया है थोड़ा थोड़ा, अभी इसको और पकाएंगे थोड़ी देर तक। ये आधे से ज़्यादा घी इसके अंदर बन चुका है, अभी थोड़ा सा और पकाना बाकी है इसको। जब तक ये हल्का ब्राउन नहीं हो जाता इसको मैं पकाती रहूँगी। इसमें हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा घी। मेरा घी जो है बन चुका है, अब मैं इसको निकालना स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने कड़छी में भर लिया है, अब मैं इसको छान लूँगी। इसको छानना इसलिए पड़ता है कि इसमें जो छिड्डी सी आ जाती है वो हट जाती है इसके अंदर। ये छोटे छोटे पीसेस जो आ रहे हैं ये इसमें से हट जाएंगे, इसलिए इसको छानना पड़ता है। ये मैं घी को छान रही हूँ, जैसे मैं पूरा घी छान लूंगी। ये देखिए इसमें वाइट वाइट ये हल्का हल्का निकल रहा है ना, इसको फिर मैं उसके अंदर ही पलट दूंगी और घी बनेगा इसका। अभी इसका घी और बनेगा, देखिए मैंने इसी में पलट दिया है और अभी मैं फिर से छानूंगी जो मेरा घी और है उसके अंदर। ऐसे करके मैं सारा घी छान लूंगी। ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो गया है, अब मैं इसको पूरे को छान लूंगी ऐसे छलनी में डाल के, और नीचे घी निकलता जा रहा है। और इस वाले पोर्शन को मैं अलग से डाल दूंगी। ये इसका खोया भी बन जाता है, इस तरीके से मैं सारे को छान लूंगी। मेरा घी जो है रेडी हो चुका है, मैंने इसको छान लिया है। ये 300 ml के आसपास ये घी मेरा बना है। और इसी के साथ मेरा देखिए खोया भी रेडी हो गया है, इसका भी मैं कुछ बनाऊंगी खोए का। ये मेरे ये घी की रेसिपी जो मैंने मलाई से बनाया है, आप लोगों को पसंद आए आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए और कमेंट्स जरूर इस पे करिएगा।